दोस्तों, क्या आपको मेले में घूमना अच्छा लगता है? तो चलिए मैं आपको जंगल के मेले में ले जाती हूँ। लाडो चिड़िया की बस्ती में बहुत बड़ा मेला आया है। सारे पशु पक्षी मेले का बहुत मजा ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी लाडो अपने बच्चे टीलू को मेला दिखाने लेकर आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे बच्चे, हमारे बस्ती में मेला आया है। माँ, ये मेला क्या होता है? बेटा, मेला बहुत मजेदार होता है। यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी अपना खेल दिखाते हैं। माँ, मुझे भी देखना है मेला, मुझे भी आना है। हाँ हाँ, हम अभी जाएंगे। इतना बोलकर लाडो अपने बेटे को पीठ पर बिठाकर मेले की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर मेला घूमने के बाद टीलू की नजर झूले पर पड़ जाती है। माँ, ये क्या है? ये झूला है बेटा, क्या तुम्हें इसमें बैठना है? हाँ हाँ, मुझे बैठना है माँ। झूले का मालिक एक चील था। आइए आइए, झूले में आसमान की सैर कीजिए। एक चक्कर के लिए सिर्फ एक बेरी। आइए आइए। चील भैया, मेरे बेटे को झूले में बिठाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। मेरे पास तो बेरी नहीं है, और बेरी का पेड़ तो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर है। मैं उतना ऊपर तो नहीं उड़ सकती। चील भैया, प्लीज बैठने दीजिए ना मेरे बेटे को। नहीं नहीं, अगर बेरी नहीं तो जाओ यहाँ से। चील की बात सुनकर टीलू रोने लगता है। माँ, मुझे झूले पे बैठना है माँ, प्लीज माँ। लाडो निराश हो जाती है। तभी वहाँ पर पारो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर आ जाती है। ओ चील भैया, मेरे बेटे को झूले पे बिठाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। ये लो। पारो के पास से एक बेरी लेकर चील पारो के बेटे को झूले में बिठा देता है। ये सब देखकर लाडो और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। पारो चिड़िया के पास बहुत सारी बेरियां थी। लाडो पारो से कहती है, अरे बहन, क्या तुम मुझे एक बेरी उधार दे सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें अनाज दूंगी। बड़ी आई मुझे अनाज देने वाली, चल जा यहाँ से। दे दो ना बहन, मेरा टीलू झूले में बैठने की जिद कर रहा है, दे दो ना प्लीज। मैं नहीं दूंगी, मुझे बेरिया मेरे दोस्त ईगल ने लाके दी है। अगर तुम्हें अपने बेटे की जिद पूरी करनी है तो उड़ कर जाओ पहाड़ों के बर्फीले टीले पर और तोड़ कर लाओ बहुत सारी बेरिया। लाडो नाराज हो जाती है और टीलू को लेकर घर वापस आ जाती है। टीलू का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ, मुझे झूले में बैठना है, तुम जाओ ना, बेरी लेकर आओ ना माँ। टीलू, बेरी का पेड़ बहुत ऊपर है, मैं वहाँ तक नहीं उड़ सकती बेटा, मुझे माफ कर दो। इसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगी। टीलू लाडो की एक नहीं सुनता और ज्यादा रोने लगता है। रोते रोते टीलू वहीं पर सो जाता है। अब मैं क्या करूं, कैसे लाऊं बेरिया? लाडो सोचने लगती है और बर्फीले पहाड़ों पर जाने की ठान लेती है। जब तक टीलू सो रहा है मैं जाकर बेरिया तोड़ लाती हूँ। मेरे बेटे के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं इसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। लाडो चुपके से घोंसले से बाहर आ जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है। जब तक टीलू सो रहा है तब तक मैं जाकर आती हूँ। लाडो पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। जैसे जैसे लाडो ऊपर जा रही थी उसका दम घुटने लगा था। जैसे तैसे लाडो बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाती है। लाडो इतना ऊपर उड़कर कभी भी नहीं आई थी, इसीलिए उसका दम अब घुटने लगा था। लाडो की सांसें अब फूलने लगी और लाडो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। कालू कौवा लाडो से मिलने लाडो के घोंसले के पास आ जाता है और घर का दरवाजा बाहर से बंद देखता है। अरे, ये दरवाजा तो बाहर से बंद दिख रहा है। कालू वापस मुड़ने ही वाला था तभी उसे टीलू के रोने की आवाज आ गई। माँ, माँ तुम कहाँ हो माँ? माँ तुम कहाँ चली गई माँ? अरे, ये तो टीलू की आवाज लग रही है, मुझे अंदर चलकर देखना होगा। कालू दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। देखता है तो लाडो अंदर नहीं होती, वो अनाज लेने मेरे साथ आने वाली थी। शाम हो गई अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं चला आया। कालू मामा, पता नहीं माँ कहाँ चली गई? हमारे जंगल में मेला आया है ना, आज माँ मुझे वहाँ पर लेकर गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर झूले में बैठने की जिद की, लेकिन झूले का मालिक एक चक्कर के बदले एक बेरी मांग रहा था। माँ के पास तो बेरी नहीं थी, फिर मैं बहुत रोने लगा। माँ
मुझे घर लेकर आई और मैं रोते रोते वहीं पर सो गया। मुझे लगता है माँ मुझसे नाराज हो गई। कालू मामा, मेरी माँ को ढूंढ के लेकर आइए ना, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ माँ कहाँ हो माँ? अरे अरे टीलू, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ गई है। कालू कौवा घोंसले से उड़ जाता है और आसपास के पक्षियों से पूछताछ करने लगता है, और वो एक एक करके सारे घर में पूछ रहा था, पर किसी ने भी लाडो को नहीं देखा था। कालू अब बहुत चिंतित हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाडो को कहाँ पर ढूंढे। तभी उसे वहाँ पर गुंगा मौसी आते हुए दिखाई देती है। तभी कालू कौवा जल्दी से गुंगा मौसी के पास चला जाता है। अरे कालू, तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? गुंगा मौसी, क्या आपने लाड़ो को कहीं पर देखा है? वो दोपहर से गायब है। हाँ, मैंने लाड़ो को बर्फीले पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। शायद लाड़ो बर्फीले पहाड़ों पर गई होगी, वो बहुत जिद्दी है, वो अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। शायद लाड़ो मुसीबत में होगी, मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा। कालू कौवा जल्दी से बर्फीले पहाड़ों पर निकल पड़ता है। जैसे ही कालू कौवा बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाता है, वो लाड़ो को आवाज लगाता है, लेकिन लाड़ो उसे कहीं पर नहीं दिखाई देती। लाड़ो, लाड़ो, लाड़ो! अचानक कालू कौवे को लाड़ो जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। कालू कौवा जल्दी से लाड़ो के पास चला जाता है। अरे लाड़ो, उठ जा! लाड़ो, अरे लाड़ो, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाड़ो को इतने ऊपर नहीं आना चाहिए था, शायद दम घुटने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मुझे जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा और लाड़ो को उल्लू डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कालू कौवा डॉक्टर चाचा के पास चला जाता है। डॉक्टर चाचा, आप जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए, लाड़ो बर्फीले पहाड़ों पर बेहोश पड़ी है। हाँ हाँ, तुम आगे चलो, मैं एम्बुलेंस लेकर तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ। कालू आगे आगे उड़ रहा था और एम्बुलेंस पीछे पीछे आ रही थी। कालू लाड़ो के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर चाचा लाड़ो की जांच करते हैं। कालू, लाड़ो चिड़िया तो सिर्फ बेहोश है, इसकी सांसें अभी भी चल रही है, जल्द से जल्द हमें इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। एम्बुलेंस लाड़ो को लेकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ती है। डॉक्टर चाचा लाड़ो को कुछ दवाई पिला देते हैं। थोड़ी देर बाद लाड़ो चिड़िया होश में आ जाती है। लाड़ो, तुम बहुत जिद्दी हो, आखिर तुम तुम्हारे बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हो। अरे कालू, माँ तो आखिर माँ होती है। कालू लाड़ो को लेकर घर वापस आ जाता है। ये सब उस चील की वजह से हुआ है, मैं देखता हूँ वो टीलू को झूले में कैसे नहीं बिठाएगा। टीलू, चलो मेरे साथ। कालू टीलू को लेकर मेले की तरफ निकल पड़ता है। कालू मामा, आप मुझे मेले में क्यों लेकर जा रहे हो? टीलू बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कालू टीलू को लेकर मेले में आ जाता है। चील भैया, मेरे भांजे को झूले में बिठाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। चील कालू से बेरी लेता है और टीलू को झूले में बिठाता है। तब तक लाड़ो वहाँ पर आ जाती है। टीलू को झूले में बैठा हुआ देखकर लाड़ो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लाड़ो कालू के पास चले जाते हैं। कालू भैया, ये कैसे हो गया? अरे लाड़ो, ये कितना आसान था। जब मैंने तुम्हें एम्बुलेंस में बिठाया, वापस आते समय मैंने 4-5 बेरियां तोड़ ली। मुझे तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखनी थी। कालू भैया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मेरे टीलू बेटे के लिए इतना कुछ किया और मेरी जान भी बचाई। हाँ हाँ, बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। और माँ तो आखिर माँ ही होती है। और आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना।